तू बिछड़न बिछड़न कहंदी है। अभी इन लोग के साथ एक बिल्ली भी थी, उसका वीडियो मैं दिखाता हूँ। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। गेट ऑफ इंडिया जय शिव शंभु हरि ओम। भाई इसको बहुत दिनों से खाने की, इसको करते खत्म भाई। मेरा तो अपना मैं खा लिया हूँ, ये भैया के लिए तो भी अभी इसमें थोड़ा मुंह मार लेगा। अपना क्या काम है खाना पीना दूसरों को, चलते। मोस्टली ये सब सीन देखते रहोगे तो ऐसे लगता होगा ना कि फिर ये कुछ खाना दिखाएगा, फिर कुछ ये दिखाएगा, पर ना 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 हमारे हम तो भाई मैं तो रात में जागते रहता हूँ, तुम्हें तो पता है, ये खाते रहता हूँ, घूमते रहता हूँ। मेरे और भूत में ज़्यादा अंतर नहीं है, वो खाली वो हो गए और हम जिंदा है। पर आज एक मनुष्य घर के मुखिया को नींद नहीं आ रही है, मैं खाना ले लिया गया है चुपके से, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगी। और ये देसी धमाल, मैंने बोला ऐसे चाय बना देता हूँ, ये कर देता हूँ भाई, चाय चाय बना देते, वो दूध ऐसा को उसमें खाओ, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। बोलता है नहीं यार इतना सब कौन, 5-10 मिनट में खाओ और सो जाओ। बोला ये भी अच्छा है, पर पापा बोलते एडिटिंग छोड़ के आया इतना वो प्यार। मैंने बोला ना 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 कंटेंट भाई कंटेंट, वो कहीं भी नहीं छूटना चाहिए, सबको पकड़ के ऐसा एक एक को पकड़ पकड़ के लेंगे भाई, इधर 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 इधर। पार्ले कंपनी इफ़ यू आर वॉचिंग भाई, तुम भाई पहले कैसे बिस्किट बनाते थे, 10 रुपये ज़्यादा ले लो पर पहले वाले बिस्किट डाल दो भाई। बचपन का मेरे को वो प्यार फिर चाहिए, 10 सालों से गायब हो चुका है पार्ले का। बट भाई कंपनी पार्ले कंपनी 5 रुपये वाले के 10 रुपये कर लो, बट पुरानी क्वालिटी ला दो, नो हेट कस्टमर रिव्यू भाई। अरे यार एक बात तो ये पता चली है कि पापा को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि भाई ये लेके आना, ये लेके आना सामान, वो लेके आना। बट ऐसा हो चुका है कि ये बिहाइंड द सीन्स कैमरा के पीछे भी बहुत सारी चीज़ें होती है, बताऊंगा फ्यूचर में। तो नाश्ता आना कम हो चुका है हमारे घर में, नहीं तो कुछ लपालप भरे होता है एकदम घर में। मतलब कभी भी कोई भी डब्बा खोल लो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। और तुम यही सोच रहे होगे ना कि भाई ये क्या बात बता रहे, ये नाश्ता कहाँ रिलेटेड, पापा कहाँ। मतलब बात पॉइंट यही है कि उन्हें कितना पता होगा कि मतलब उनको, मतलब कोई को हमारे मेरे पापा को सच में नाम भी नहीं आता। मेरे पापा को 4-5 सालों से मेरे जो फेवरेट बिस्किट है जो मैं खाते रहता हूँ पुराने सब हक्राइबर से, उन्हें पता होगा मैं जिम जैम बहुत ज़्यादा खाता हूँ। लिटरली आज तक उनको वो नाम नहीं आया है अभी। वैसा वो जिम जैम कर जान दो, वैसा रिम जिम बोल के वो लेके आते, मतलब सच में वो कितने इनोसेंट है कि उन्हें नाम नहीं आता है फिर भी वो लेके आते हैं। वो क्यों भूल जाते हैं ना, ऑफकोर्स अभी कोई कोई नाम नहीं याद रहते फिर भी वो लेके आते हैं। भैया का सेम है, मम्मी का सेम। हम कभी कभी बताते नहीं है कि हमें ये नहीं खाना वो, मतलब हम कभी कभी बोल नहीं पाते कि हमें ये खाना है। तो वो भी अपने मन का लेके आते एंड वो हमें खिलाते। सो टू ऑल द फादर्स चश्मा, तुम्हें ढेर सारा प्यार। अगर हम बोल नहीं पाते कभी कि हम कितना प्रेम करते तुमसे, तो उन सब के बदले में हम बोल देंगे तुम्हें शुक्रिया सारा प्यार करने के लिए और प्यार से डांटने के लिए, थैंक यू। समझ जाओ 2-3 महीनों से मतलब सोशल मीडिया अपना सिर्फ यूट्यूब है, बट बाकी इंस्टाग्राम पे उतना है। एक तो ना एक्सट्रीम एक्टिव नहीं हूँ, तो आज मतलब फ़ोन खेल रहा था तो खेले ही जा रहा हूँ, रुका ही नहीं। और इट्स 1:30, कर लो, ये फिर ये डायरेक्ट सर्कल है ना, यहाँ यहाँ तक आ जाएगी ये मेरे को, ऐसा गाली पड़ने वाली। पर अब क्या करेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा तो एंजॉयमेंट चलता है। पर इट्स एग्जांपल लाइक
ज्यादा मजा ज्यादा सजा। एग्जाम्पल लॉट लेट व्लॉग अप लोट। जब से व्लॉगिंग स्टार्ट किए है तब से एक बात तो अच्छी हो रही है कि जिंदगी भर सुबह नहीं देख पाए 21 सालों में, पर अब ऐसा हो गया है कि सुबह शाम रात सब कुछ, मच्छर कुत्तों का भौंकना अलग, एकदम रात में एकदम जो चहचहाट होती है, जो हवा एक आवाज़ होता है, सन्नाटे में जो प्लेन उड़ते ट्रेन की आवाज़ आती है यहाँ तक सब सुनाई देता है, और एक्स्ट्रा GST में गालियाँ घर वालों की प्यार वाली कि रात भर क्यों जागता है, ये वो ये सब नया नया हो रहा है हमारे साथ। सोचा तुम्हें भी बता दे, अभी तक नींद बहुत तेज आ रही पर आदत हो गई। इतना जूम इसलिए क्योंकि पीछे बहुत सारी चीज़ें हवाओं में सूख रही है, क्या अजीब लगेगा लाइव। और जिन्होंने नहीं देखा है उन्हें तो नहीं पता होगा, बट वो व्लॉग अभी सुबह अपलोड हो रहा है, और एक ये सब सुबह ही अपलोड हो रहे हैं। और एक मिनट, तुम लोग पुराने व्लॉग्स देखे क्यों नहीं? जो नहीं देखे उसकी बात कर। वैसे एक और एक बात है, ये ऐसे मतलब ऐसे ऐसी चौल में रहने वाली लाइफ, ऐसी लाइफ जिए है, मैं तो नहीं जिया हूँ, बट अपने मम्मी अपने मम्मी पापा और भैया जिए ऐसी वाली लाइफ, अपन थोड़ा नहीं जिए पर सब जीते भैया, स्ट्रगल सभी के लाइफ में लिखा है। इसके पहले चल के जाते थे, फिर साइकिल, फिर पुरानी सेकंड हैंड, फिर नहीं आई है, अब हमारी बारी, हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें 2 व्हील से 4 व्हील फिर लाना पड़ेगा। कुछ आज ज़्यादा व्लॉग नहीं किया, सोचा यही कर दूँ, बाकी तुम जो भी देखे हो वो पुरानी फुटेज है। I feel a discontent, I find